अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आवाज और स्क्रीन आपको क्लियर है? वॉइस एंड स्क्रीन के ऊपर मुझे फीडबैक चाहिए। दैट क्लियर? ठीक है जी। चैप्टर 7, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, शुरू करते हैं। और इसकी एक जो प्री रिक्वायरमेंट है, जो एक इसका प्री रेक्विजिट है, प्री कंडीशन है, वो जनाब ये है कि आपको FAR1 के अंदर जो रेशियो एनालिसिस सीखा है आप लोगों ने, उस पे आपको अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। यानी कि आपको रेशियोज आनी चाहिए। अगर आपको रेशियोज अच्छी सी आती हैं तो आप इसमें बड़ा अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। अगर सवाल आ जाए, अगर आपको इस एरिया से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यू कैन परफॉर्म इन अ मच बेटर वे अगर आपको रेशियोज आती हैं एंड अगर आपको सब्सटेंटिव लिखने आते हैं। इस टॉपिक को जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि रिवर्स चले, यानी कि पहले हम लोग इसके सवाल करेंगे और फिर हम लोग इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि इसकी स्टडी और सवाल का ताल्लुक आपस में कोई भी नहीं है। सवाल इसके एक पैटर्न पे आते हैं, जिसमें नॉर्मली आई कैप क्या करता है, आई कैप आपको देता है एक बैलेंस शीट और एक इनकम स्टेटमेंट, और लगता है कि सवाल अकाउंटिंग का आ गया। देख रहे हैं, ऑटोमेकर्स के अंदर भी पूरा सवाल जिस तरीके से आई कैप ने प्रेजेंट किया है, और मैं आपको दिखाऊं एक सेकेंड। तो जिस तरह आई कैप ने ये सवाल प्रेजेंट किया है, लगता है ऐसे कि यार ये कोई ना कोई अकाउंटिंग का सवाल है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक आपको मिल जाती है बैलेंस शीट, नीचे आपको देता है इनकम स्टेटमेंट, फिर नीचे आपको देता है अदर इंफॉर्मेशन, और फिर आपसे कहते हैं कि जनाब मुझे आइडेंटिफाई करके बताएं 4 अनएक्सप्लेन्ड फ्लक्चुएशंस इस पूरी सिनेरियो के अंदर, और उनके लिए लगाएं आप की ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी कि सबस्टांटिव प्रोसीजर्स यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स टूल। तो 10 नंबर का ये सवाल। इसी तरह आई कैप ने इससे पीछे भी एक सवाल पूछा था, तो गालिबन अटेम्प्ट है Spring 16, तो उसमें भी आपको ऐसा ही एक सवाल देखने को मिलता है जिसमें बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, नीचे कुछ बातें बताई हुई हैं, और आपसे वो कह रहा है कि जनाब 11 नंबरों के लिए मुझे बताएं कि अब आप लोग क्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इस तरह के सवालों को हैंडल कैसे करना है, डील कैसे करना है, एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है, कब ये सवाल अटेम्प्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये सारी बातें हमने आज कवर करनी है। तो इसमें पढ़ने के लिए काम है, मगर समझने के लिए और सीखने के लिए ज्यादा मवाद। ठीक है जी। रेशियोज मैं आपको एक दफा दिखा देता हूं जल्दी से, ताकि ये ना कहें कि सर आपने तो हमें रेशियोज दिखाई नहीं थी। तो सर जी, रेशियोज कुछ ऐसी हैं। रेशियोज में ये है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट टू सेल रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, फिर वर्किंग कैपिटल, एवरेज डेज टू कलेक्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर, एवरेज डेज टू पे, लिक्विडिटी में करंट रेशियो, क्विक रेशियो, फिर डेट रेशियो आती है, फिर इन्वेस्टर्स रेशियो आती हैं। तो ये आपको आनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेशियो किस चीज को एक्सप्लेन करती है। अब जिस तरह करंट रेशियो है, अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी, और नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि करंट रेशियो 2:1 में आनी चाहिए, यानी कि 2 करंट एसेट्स हो और 1 करंट लाइबिलिटी हो। क्विक रेशियो में करंट एसेट्स में से आपने इन्वेंट्री को साइड में कर देना, तो ये बन जाएगी आपकी क्विक रेशियो। इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, प्रॉफिट ओवर सेल्स, एसेट टर्न ओवर रेशियो, कि एक एसेट आपको कितना कमा के दे रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, तो सेल्स डिवाइडेड बाय इक्विटी साइड, और
लाइबिलिटी साइड, यानी कि शेयर कैपिटल रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल। तो ये रेशियोज आपको पता होनी चाहिए। गियरिंग रेशियो क्या है, लॉन्ग टर्म डेट कितना लिया हुआ है और कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है उसकी रेशियो, इंटरेस्ट कवर पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट जो के साल में आया, डिविडेंड कितना दिया है, मार्केट प्राइस से कंपेयर करना तो डिविडेंड यील्ड आपको बता देगा, डिविडेंड कवर के रेशियो भी आपके सामने मौजूद है। तो ये रेशियोज आपको पता होने चाहिए कि निकालने कैसे, क्वेश्चंस में यूज करते हैं। और सिर्फ यही नहीं है, आप इसके अलावा भी अभी देखेंगे कि आई के आपने डिफरेंट रेशियोज को यूज करते हुए अपना आंसर ड्राफ्ट किया है। तो ये मोर ऑफ अ प्रैक्टिस स्टैंडर्ड है रादर देन लर्निंग स्टैंडर्ड, इसलिए हम इसको वन नोट पे कवर करेंगे ताकि आपको चीजें भी समझ आए और आप उसको सही से परफॉर्म भी कर सके। और मैं शुरू करूंगा एक बड़े सवाल से डायरेक्टली, जो कि ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके कवर कर रहा होगा, ऑटम 21। अब मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपके हाथ में एक कैलकुलेटर होना चाहिए लाजमी, एक पेन होना चाहिए, और लिखने के लिए या किताब हो या एक रजिस्टर जिसमें आप चीजों को नोट कर सके। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं, इसको आप अरेंज कर लें फिर कहानी को शुरू कर दें। जी, मैं रुका हुआ, मुझे आइडिया है कि आप में से किसी के पास ये चीजें नहीं होंगी तो मैं इसलिए रुका हूं, आप अरेंज कर लें फिर कहानी को शुरू कर दें। हाँ जी, अरेंज हो गया, चीजें स्टार्ट करें, चीजें अरेंज कर ली हैं जी। फराज भाई हो गया, डन, शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको एक बात बताता चलूं, जब एग्जाम में आपको ये सवाल आए ना तो आपने कोशिश करनी है कि ये क्वेश्चन आपने पहले घंटे में नहीं करना। ये क्वेश्चन और रिस्क के सवाल, इन दोनों में एक खामी है। खामी ये है कि ये टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करवाते हैं आपका। खामी ये है कि ये टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करवाते हैं आपका। तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह का सवाल आपने तीसरे घंटे में करना, यानी कि जब घड़ी पे 11 बजे, और अगर इस तरह का सवाल एग्जाम में आया हो तो आपने 11 बजे के बाद इसको अटेम्प्ट करना, और कोशिश करनी है कि पहले 2 घंटों में मैक्सिमम पेपर सॉल्व कर लें जिससे आपके अच्छे खासे नंबर बन रहे हो, क्योंकि ये सवाल ऐसा जो कि आपको अंधेरे में ले जाएगा, यानी कि इसमें आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा मगर नंबर कम होंगे, सोचना भी ज्यादा है मगर नंबर कम है, और जितना लिखते जाएंगे इस सवाल का पेट नहीं भरेगा। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसको अप्रोच कैसे करना है उसको देख, क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट है और एक है इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेप, स्टेप वन जो कि आपने करना है, स्टेप वन ये है कि आपने एग्जाम शीट के ऊपर कॉलम्स ड्रॉ कर लेने, जैसे 2020, 2021, 2020,
डिफरेंस कैसे आएगा, 2021 माइनस 2020, और उसके साथ आपने यहाँ पे लिख देना है डिफरेंस इन परसेंटेज, तो जरा निकाले एक्विटी बढ़ रही है या कम हो रही है। 26,000 से 35,922, क्या इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है? ये हर दफा नहीं आता, ये बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये बढ़ रही है। इसका मतलब है कि कंपनी ने नए शेयर इशू किए हैं। अगर कंपनी ने नया शेयर इशू किया है तो मुझे बताइए सेकंड इफेक्ट कहां पर जाना चाहिए इसका। अगर एक कंपनी ने शेयर इशू किए हैं तो सेकंड इफेक्ट कैश बैंक में जाएगा भाई, एंट्री क्या पास होगी, एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट या एक्विटी क्रेडिट? ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए, आप अपना बैंक बढ़ा रहे हैं और आपकी एक्विटी भी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि बैंक बढ़ गया। जरा नीचे आके देखें क्या बैंक बढ़ रहा है। 2682 से 592 पे चला गया। हमने ऊपर एक स्टेटमेंट पास की थी कि बैंक बढ़ना चाहिए, मगर नीचे बैंक नहीं बढ़ रहा, नीचे बैंक में इंक्रीजिंग ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिल रहा। कितने से बैंक कम हो रहा है मेरा, कितने से बैंक मेरा कम हो रहा है, 2090 से। और कितने से ये मेरा बढ़ रहा था शेयर कैपिटल, अमाउंट बताया जरा, कितने से बढ़ रहा है शेयर कैपिटल? डबल नाइन डबल। नीचे देखते हैं कि क्या कोई शेयर कैपिटल के बारे में बात की गई है। नीचे बात किसके बारे में की जा रही है, पीपी के बारे में की जा रही है, प्री पेमेंट्स के बारे में बात की जा रही है, सेल्स के बारे में बात हो रही है और लोन के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब है कि एक्विटी एंड रिजर्व्स के बारे में हमें इसके अलावा कोई और बात नहीं पता। अच्छा जी, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन 12,000 से 6,000 पे जा रहा है, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? लॉन्ग टर्म लोन का कम होना ये अच्छा शगुन है या कम है, अपशगुन है या अच्छा शगुन है? 12 से 6, 6,000 से कम हो रही है, अच्छी बात है ये। 12 से 6 यानी कि 6,000 रुपये से गिर गई है। इसका मतलब है कि कंपनी ने कैश पे किया होगा, लॉन्ग टर्म लोन जब पे किया होगा तो कैश बैंक से पे किया होगा, तो इसकी एंट्री क्या पास हुई होगी, इसकी एंट्री क्या पास हुई होगी जनाब? लॉन्ग टर्म लोन डेबिट, बैंक क्रेडिट, यही एंट्री पास हुई होगी। इसका मतलब है कि यहां पे इसके अंदर दोनों बातें कवर हो गई हैं। फिलहाल हमारे पास एक्विटी भी कवर हो रही है एंड हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन भी कवर हो रहा है। ठीक शो, यहां तक बात समझ आ रही है? सवाल को अंडरस्टैंड करना आर्ट है इस स्टैंडर्ड के अंदर। तभी आपसे मैंने कहा कि ये आपने आखिरी घंटे के लिए बचाना है, क्योंकि अगर आपने पहले घंटे में शुरू कर दिया तो ये 2 घंटे में खत्म ही नहीं होगा और आप बाकी सवालों से हाथ धो बैठेंगे। तो ये ट्रिकी सवाल होता है हमेशा पेपर में अगर आ जाए तो। ट्रेड एंड अदर पेबल्स 6,500 से बढ़ के 7,800 पे जा रहे हैं। अदर पेबल्स ये बढ़ रहे हैं, 1,300 से इंक्रीज है, यानी कि डिफरेंस आ गया इनका 1,300 से। मुझे बताइए ये डिफरेंस इन परसेंटेज कैसे निकालूंगा, ये डिफरेंस इन परसेंटेज कैसे निकालूंगा?
डिफरेंस इन परसेंटेज कितना आना चाहिए, निकाले जरा। इसका फॉर्मूला होता है, यस डिवाइड करना है आपने करंट, डिवाइड करना है आपने प्रीवियस ईयर के साथ। डिवाइड किस पे होता है, हमेशा प्रीवियस ईयर पे डिवाइड होता है, करंट ईयर पे डिवाइड नहीं होता। ये बात सबको पता है कि ये 1300 किस पे डिवाइड होगा, 6500 पे डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि 20% इंक्रीज आया, 20% इंक्रीज आया। अच्छा एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। इस 6500 को 1.2 से मल्टीप्लाई करके बताएं आंसर क्या आ रहा है, जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस। 6500 को 1.2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 7800 ही आ रहा है। ठीक यस सर, है, तो चेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर दुरुस्त हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अभी मैं नीचे नोट्स नहीं पढ़ रहा, जस्ट ऊपर की डाटा को देख रहा हूं। पीपीई 26 से कम होके 22 पे हो गया, कितना परसेंटेज डिक्रीज है, मुझे आपने परसेंटेज डिक्रीज बताना है इसमें, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है, कैसे निकालेंगे। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, दो डिफरेंट जवाब आ रहे हैं, एक आ रहा है 15.6, एक आ रहा है 18.5। ये दो डिफरेंट जवाब क्यों आ रहे हैं मेरे पास, दो 15.6 के आंसर आ गए हैं। फराज भाई आपने 18.5 निकाला है, इसकी कोई खास रीजन है तो बताएं, आपका 18.5 क्यों आ रहा है। 15.6 सबका आंसर आ गया, 15.6% से ये डिक्रीज कर रहे। चले यहीं पे जरा मुझे बताएं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कम हो रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कम हो रही है, क्या रीजन हो सकती है। अभी हमने सवाल पूरा नहीं पढ़ा, मगर रीजन बता सकते। डिस्पोजल डिस्पोजल्स, डिस्पोजल्स इंपेयरमेंट, इट कैन बी बिकॉज ऑफ डिस्पोजल, इट कैन बी बिकॉज ऑफ इंपेयरमेंट, रिवैल्यूशन टू कॉस्ट, यस इट कैन बी बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन रिवैल्यूएशन, देर आर मल्टीपल थिंग्स टू हैंडल। क्या हमें सवाल ने कुछ बताया, जी बताया। पॉइंट नंबर थ्री यहां पर लिख लेता हूं, पॉइंट नंबर थ्री, सवाल की रिक्वायरमेंट में ये लिखा हुआ है कि ये जो डिक्रीज है ना, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्पोजल्स नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी कि जो तीन बातें हमने लिखी हैं, इसमें से वैलिड बात कौन सी है, सिर्फ सिर्फ वैलिड चीज कौन सी है, डिस्पोजल जो वैलिड है इस सवाल के परस्पेक्टिव से वो है डिस्पोजल। तो ये है एक वैलिड पॉइंट, ये है एक मेरा वैलिड पॉइंट। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने अनएक्सप्लेन्ड फ्लक्चुएशंस के बारे में बताना है। क्या सवाल ने पीपीई की जो फ्लक्चुएशन है उसको डिस्कस कर दी है या अभी तक वो अनएक्सप्लेन्ड है। जो सवाल ने पीपीई की रीजन है वो बता दी है जी। इसका मतलब है कि अब मुझे इसको डिस्कस करने की जरूरत है जवाब के अंदर, नहीं मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, किसको, पीपीई को, बिकॉज सवाल ने ऑलरेडी बता दी। डिस्पोजल से क्या पैसा आया होगा, कितना आया होगा, 26,808, 22,630, कितना फर्क है। तो जब डिस्पोज हुआ होगा तो इससे भी कैश बढ़ा होगा, कैश बढ़ा सर होगा डिस्पोजल से। हाँ जी 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 सर हो सकता है कैश बढ़ाओ, लेकिन ये भी हो सकता है कि ना रिसीवेबल भी हो जाते कभी कभार।
हो सकता है, चूंकि सवाल खामोश है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि कैश बढ़ा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पैसे आ रहे होते हैं, बाय डिफॉल्ट हम लोग रिसीवेबल नहीं लगाते, बाय डिफॉल्ट ये होता है कि हमने कैश पे चीज बेची, उधार पे नहीं बेची। दूसरा ये है कि हमें ये नहीं बताया गया कि बेची है तो बेची कितने की है, हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं है, तो हम उससे प्रॉफिट लॉस और डिस्पोजल भी नहीं निकाल सकते, तो डेटा लिमिटेड है। प्री पेमेंट्स, पहले कुछ भी नहीं थे, अब 1500 के हो गए, पहले कुछ भी नहीं थे और अब 1500 के हो गए हैं, ये प्री पेमेंट्स क्या होती है भाइयों? प्री पेमेंट्स को सर डिफाइन करेंगे, एडवांस क्रेडिट एडवांस में पेमेंट करते लोन। हैं। एडवांस, एडवांस दिया हुआ है। नीचे हमारे पास प्री पेमेंट का डाटा दिया हुआ है, ये पढ़ते हैं। कहता है प्री पेमेंट्स रिप्रेजेंट एडवांस रेंटल ऑब्टेन फॉर 6 मंथ्स ऑन 16 जून 21 एट अ मंथली रेंट ऑफ 250 रुपये, एट अ मंथली रेंट ऑफ 250 रुपये। कब लिया है? 16 जून, हमारा ये रेंट क्या है? 30 जून, हमारा ये रेंट है 30 जून। क्या करें इसका? आपको लग रहा है कि काउंटिंग गलत हो रही है? तो सोच ऐसी आ रही, ईयर एंड जहन में रख के बताइएगा क्या ये अकाउंटिंग ऐसी होनी चाहिए थी? सोचे जरा, भाई देखे ना महीने का कितना है, महीने का है 250, महीने का है 250, और ईयर एंड आते आते हमने आधा महीना तो गुजार दिया, 0.5 ऑफ द मंथ हैज बीन ओवर, अकाउंटिंग खराब हुई हुई है। देखिए ना, मंथली है रेंट 250 रुपये का और 6 महीने का है, ये 6 महीने में से सिर्फ 15 दिन हमारे ईयर एंड में आते हैं, बाकी 5.5 महीने अगले साल में जा रहे हैं। 0.5 करंट ईयर का है और 5.5 फ्यूचर में है, ये फ्यूचर ईयर को है। हमारा ईयर एंड क्या है नूर? 30 जून 21, हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून 21। तो यहां पे देखें, 16 जून 21 को प्री पेमेंट है, इट मीन्स कि 250 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं, आंसर क्या आएगा? 125, 125। ये 125 को क्या करना चाहिए? इसका एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए? 125 का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए? क्या उन्होंने 125 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया? नहीं रिकॉर्ड किया। इसका मतलब है कि ये पॉइंट जाहिर कर रहा है एक मिसस्टेटमेंट। इस पॉइंट से हमें क्या मिल गई है? एक मिसस्टेटमेंट मिल गई। तो अब मुझे मैनेजमेंट से कहना पड़ेगा कि भाइयों, 125 को क्या करो, इसको आप चार्ज करो प्रॉफिट लॉस में, एज एन एक्सपेंस बनाओ, और 1500 में से 125 को माइनस करके बताइए आंसर क्या आता है। वन थ्री 1375, 1375। सेवन 1375। तो ये रिकॉर्ड होगी कहां पे? ये रिकॉर्ड कहां पे होगी? ये रिकॉर्ड एडमिन कहां एंड मार्केटिंग एक्सपेंस पे पे? ये जाएगी हमारी एसेट साइड पर। ये बेसिकली ये अमाउंट खराब है ना,
ये वाली अमाउंट खराब है। तो प्री पेमेंट्स मुझे 1500 की बजाय कितने लिखनी चाहिए थी? 1375, 1375। और 125 एडमिन और मार्केटिंग में यहां पे आके माइनस होना चाहिए था। जी फराज भाई समझ आ गई? उन्होंने रिकॉर्ड किया है 1500 पे, 1500 की फिगर ही गलत है। और ये फाइनेंशियल्स क्या फाइनल हुई हुई है? नहीं, ये ड्राफ्ट है। ये क्या है? ये ड्राफ्ट है सर। ऑडिट में ऐसे सवाल का मतलब हम कोई रेक्टिफिकेशन सीख रहे हैं। यस अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा ये पॉइंट मुझे बताइए, क्या उन्होंने सही किया है या नहीं किया? ये पॉइंट मुझे सही करवाने की जरूरत है उनसे। यस यस, तो मेरा जवाब क्या बनेगा इस पॉइंट को लेके? मेरा जवाब क्या बनेगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। अब इसको लिखना कैसे एग्जाम में? आप सबसे पहले बताएंगे फ्लक्चुएशन, हेडिंग आ गई फ्लक्चुएशन की हेडिंग। उसके अंडर आप डाल देंगे हेडिंग प्री पेमेंट्स की। फिर यहां पे आपने बताना है कि भाई चूंकि 16 जून 21 को ये प्री पेमेंट जो है वो वेयर हाउस की रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें से हाफ मंथ गुजर गया है, 2500 जो है वो फुल मंथ का था, तो हाफ मंथ का हो जाएगा 125। ये अब एक्सपेंस में जाना चाहिए, और बाकी का 1375 को हम अपने एसेट्स में डाल देंगे। ये एक्सपेंस में कहां पे जाएगा? हमने कहां पे रखा है इसको? एडमिन एंड मार्केटिंग में जाना चाहिए। ये जाएगा कहां पे? एडमिन एंड मार्केटिंग में जाना चाहिए। तो ये तो आपने उसको बता दिया, मगर इसको वेरीफाई करने के लिए अब मैं क्या लगाऊंगा? की ऑडिट प्रोसीजर्स। अब मैं क्या लगाऊंगा? की ऑडिट प्रोसीजर्स वेरीफाई करने के लिए कि क्या इन्होंने ये सही किया या नहीं किया। दिस इज माय सब्सटेंटिव, दिस इज माय सब्सटेंटिव। अच्छा, अब इसमें मुझे एग्जिस्टेंस वेरीफाई करने की जरूरत है, कंप्लीटनेस वेरीफाई करने की जरूरत है। क्या आप इसके अंदर फरीहा मुझे एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस वेरीफाई करने की जरूरत है? इतनी खास नहीं, इतनी खास नहीं। हमने यहां पे लगाना क्या है? वैल्यूएशन के ऊपर बात करनी है। याद है वो तीसरा पॉइंट, एक्यूरेसी वैल्यूएशन एलोकेशन, एक्यूरेसी वैल्यूएशन और एलोकेशन, वो वेरीफाई होगा यहाँ ज्यादातर, एक्यूरेसी वैल्यूएशन एलोकेशन। वेयर हाउस रेंट पे दिया गया है, वेयर हाउस रेंट पे दिया गया, क्या वेयर हाउस का कोई रेंटल एग्रीमेंट हुआ होगा? यस सर। तो मैनेजमेंट से कहूं के लड़को मुझे रेंटल एग्रीमेंट ला दो। उस रेंटल एग्रीमेंट को स्टडी किया जा सकता है, कंफर्म कर सकता हूं कि क्या वाकई में रेंट 250 पर मंथ है या नहीं। फिर क्या बिजनेस के राइट लिए, सुनो, बिजनेस के लिए ही ये यूज हो रहा है या नहीं हो रहा? और मैनेजमेंट से मुझे कहना है कि दोस्तों 125 की अब क्या पास करो, एक्सपेंस की एंट्री पास करो, यानी कि ये एडजस्टिंग एंट्री है, ये एडजस्टिंग एंट्री है बात को। तो पॉइंट थ्री में उसने कहा था पीपीई की डिस्पोजल जो है वो सही से रिकॉर्ड हो गई है, और इसके बारे में कोई गलत बात नहीं थी, तो ये पॉइंट मैंने इग्नोर कर दिया था। मगर पॉइंट फोर अपने अंदर एक मिसस्टेटमेंट छुपा के रख रहा है, और उसने मांगी है 4 बातें, 4 में से 1 तो हमें हमें मिल गई, 4 में से 1 हमने डिस्कस कर लिया। यहां तक कोई सवाल है तो मुझे बताइए।
यहां तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? हाँ जी, यहां तक ओके? ठीक चले, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? डेटर्स, क्या डेटर्स के बारे में कोई बात नीचे हो रही है या नहीं हो रही? ट्रेड डेटर्स, डेटर्स के बारे में वो कह रहा है कि 8,000 से बढ़ के 12,000 रुपये आ गए हैं। अच्छी बात है या बुरी बात है? 8,000 से बढ़ के 12,000 रुपये चले गए, अच्छी 4,000 से डेटर मेरा बढ़ गया, रिसीवेबल मेरा बढ़ गया। खराब बात है, क्योंकि जितना ज्यादा डेटर बढ़ेगा उतना ज्यादा बैड डेट का चांस भी बढ़ता है। भाई जितना ज्यादा मेरा डेटर बढ़ेगा उतना ज्यादा बैड डेट बढ़ेगा। और मजे की बात, डेटर बढ़ने का सेकंड इफेक्ट हमेशा कहां पर होगा? डेटर बढ़ने का सेकंड इफेक्ट कहां पर जाएगा? प्रोविजन ऑफ बैड डेट। नहीं, वहां तो जाना ही, यस, सेल्स पे जाएगा, सेल्स पे जाएगा। यानी कि डेटर बढ़ा और वहां से सेल्स बढ़ी। डेटर मेरा बढ़ गया है 4,000 से, इसका मतलब है कि सेल्स भी 4,000 से कम बढ़नी चाहिए। सेल्स मेरी 4,000 से कम बढ़नी चाहिए। सेल्स चेक कर लेते हैं, 73,000 से बढ़ के 1,10,000 में आ गई है। कितने का इंक्रीज है? 73 से बढ़ के 1,10,000, कितना इंक्रीज आया? 37,000। इस 37 में इसका मतलब है कि 4,000 कम से कम किया है, तो बाकी क्या होना चाहिए? बाकी क्या होना चाहिए? कैश सेल्स 33,000। तो कैश यहां से भी बढ़ रहा है, और कैश मतलब एक्विटी से बढ़ रहा था। अब तक मैंने कैश दिया कहां पे है? सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन को रीपे किया, और मेरा कैश बढ़ा था कहां से? पीपी को डिस्पोज करके भी। तो तीन जगहों से कैश बढ़ रहा है और एक जगह पे कैश माइनस हो रहा है। अच्छा जनाब, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बारे में वो कह रहा है ताया जी कि 7,000 से बढ़ के 13,000 पे पहुंच गई है। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? इन्वेंट्री का बढ़ना पूरी बात बहुत बुरी बात है, बहुत ज्यादा बुरी बात है। इन्वेंट्री 6,000 रुपए से बढ़ रही है, इसका मतलब है कि ये इन्वेंट्री इम्पेयर हो सकती है फ्यूचर में। अगर ये ना बिकी तो इसमें इम्पेयरमेंट रिस्क छुपा हो सकता है। फिर इस इन्वेंट्री को मुझे होल्ड भी तो करना है, तो वेयर हाउस कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट भी मेरी बढ़ जाएगी, ऐसा ही है। और ये इन्वेंटरी पड़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि सेल्स कम हुई है। इसका मतलब ये भी है कि प्लैंड प्रोडक्शन नहीं हुई, प्लैंड प्रोडक्शन नहीं हुई, प्लैंड प्रोडक्शन नहीं हुई। इन्वेंटरी मेरी बढ़ रही है, क्या इन्वेंटरी के बारे में कोई बात कर रहा है नीचे? नहीं कर रहा, या कर रहा?
अच्छा जी, कोई और बात जो कि हम मिस कर रहे हो अभी तक? नहीं। सर लोन के बारे में अब तक नहीं हुआ है। अभी करते हैं, लोन को बढ़ाते हैं, लोन में भी बात करता हूँ मैं ना। पहले आसान वाले मुद्दे पूरे कर लो। ये मैं ऐसे में ना इन्वेंट्री चेक कर रहा था कि इन्वेंट्री के ऊपर अक्सर वो बात करता है, इन्वेंट्री के ऊपर अक्सर वो जिक्र करता है कि इसका टर्नओवर कितना है, मगर मैं देख रहा हूँ कि सवाल में टर्नओवर डेज मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं, यहां पर आए जरा, जी बताइए ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब वापस चलते हैं पीछे, निकाले रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर निकाले जरा 2020 का और 2021 का। फॉर्मूला है इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 365। ये आंसर नंबर ऑफ डेज में आता है, ये आंसर डेज में आएगा आपका। 2020 में इन्वेंट्री कितनी है? 7,000। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 5,4। 7,000 डिवाइडेड बाय 5,4,750 मल्टीप्लाई बाय 365। और 2021 में कितना है? 13,000 डिवाइडेड बाय 83,050 मल्टीप्लाई बाय 365। हाँ जी, आंसर क्या आ रहा है? 20 का आंसर क्या आ रहा है? 20 का आंसर बताइएगा 47 days। और 21 का आंसर क्या आ रहा है? 57 days। पहले मेरी इन्वेंट्री 47 days में सेल होती थी, अब ये इन्वेंट्री 57 days के बाद सेल होती है। अच्छी बात है या बुरी बात है? और अगर बुरी बात है तो किसका रिस्क ज्यादा है? ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का रिस्क आ सकता है, इंपेयरमेंट का रिस्क आ सकता है, सॉरी इंपेयरमेंट कह गया हूं, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का रिस्क है। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी यहाँ पे गलती से इंपेयरमेंट लिख दिया है, माफ कीजिएगा, ये इंपेयरमेंट नहीं है, ये एनआरवी रिस्क, एनआरवी रिस्क। ऑब्सोलीट कहते हैं खराब होने को, उसकी एनआरवी गिर सकती है। भाई मार्केट में जितनी देर तक आपकी इन्वेंट्री रहेगी आपके पास, वो यूज नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि हाई चांसेस हैं कि इन्वेंट्री खराब हो जाए, है कि नहीं है? तो ऑब्सोलीट रिस्क है, यस, ओल्ड फैशन का रिस्क है। अब क्या करो, इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस का मसला नहीं है, कंप्लीटनेस का मसला नहीं है, मसला कहां पर आएगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। यानी कि अगर अब मुझे अब इसके सब्सटांटिव लगाने भी हैं तो मैं किस पर लगाऊंगा? एक्यूरेसी वैल्यूएशन वाले एरिया पर। राइट्स का मसला नहीं है, प्रेजेंटेशन का मसला भी नहीं है, मसला कहां पर आएगा? एक्यूरेसी वैल्यूएशन और एलोकेशन, और उसमें भी कौन सा एरिया लगेगा? ये फिनिश गुड है ना, ये WIP है ना, ये रॉ मटेरियल है। फिनिश गुड में हम देखेंगे कि क्या इन्होंने आइडेंटिफाई कर दी है जो इन्वेंट्रियां ऑब्सोलीट है, क्या उनकी एनआरवी सही से निकाल दी है या नहीं, कुछ एनआरवी निकाली है, एनआरवी की अमाउंट एक्यूरेट है या नहीं है, उस एनआरवी को रिकैलकुलेट करके देखा जा सकता है। तो ये रेलिवेंट बनेंगे प्रोसीजर्स किसके ऊपर? इन्वेंट्री के ऊपर। ये
रेलेवेंट बनेगा जी बिल्कुल। मैनेजमेंट से रिजल्ट डिमांड कर सकते हैं, मैनेजमेंट से इसका बैकएंड डाटा ले सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि भाई हमें बताएं कि आपने क्या खराब वाली इन्वेंट्री है जो कि काफी टाइम से पड़ी है, जो कि एक्सपायरी के आसपास है, आपने उसको अलग से आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया। तो बनाने आपने सब्सटेंटिव भी है, मगर उससे पहले आपने बस रिस्क ढूंढना है कि कहां पे आपको रिस्क मिल रहा है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया? तो एक हमने बना ली है किसके, प्रीपेमेंट के, और एक मैंने बना ली है इन्वेंट्री के, ऐसा ही है। ऐसा ही है, एग्जाम हॉल में बैठ के लोगों की शक्ल देखने से बेहतर है कि आपको सवाल शुरू करना आना चाहिए। अक्सर बच्चों को तो ये सवाल शुरू करना ही नहीं आता कि करना क्या है सवाल। आगे चलो, चले आगे, चले जी। एक और काम करते हैं फिर हम, जैसा हमने भी ये इन्वेंट्री टर्नओवर निकाला है, हम एक और टर्नओवर निकाल के चेक कर लेते हैं। डेटर टर्नओवर, एवरेज डेज टू कलेक्ट, एवरेज डेज टू कलेक्ट फॉर्मूला जरा चेक करें। ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, ये है एवरेज टाइम टू कलेक्ट। और सबसे एंड पे क्या आ रहा है, एवरेज टाइम टू पे। ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ परचेज यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 365। फॉर्मूले का नोट करके यहाँ पे लाए मेरे पास, और मुझे अब आपने निकाल के देना है डेटर की रेशियो और क्रेडिटर की रेशियो, निकाल के बताएं क्या आ रही है। ट्रेड डेटर्स की रेशियो क्या आ रही है, निकालें खुद ही। मैं फॉर्मूला अगेन आपको सामने रख देता हूं ताकि आप इसको इजीली निकाल लें। दिस इज द फॉर्मूला, ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर सेल, ट्रेड रिसीवेबल ओवर सेल। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या है, 8,000, 12,000, और सेल भी दी हुई है, बताइए। ओवर सेल 365, तो क्या आंसर आ रहा है, 2020 का आएगा 40 दिन, 21 का क्या आ रहा है, 21 का क्या आ रहा है, 40 दिन। तो क्या इसमें मुझे परेशान होने की जरूरत है, पहले भी 40 अब भी 40, ये तो बैलेंस हो गया, इसमें टेंशन लूं, इस पॉइंट को अलग से लिख लूं डेटर्स वाले पॉइंट को, इसका मसला है नहीं है। तो ये मैंने काट दिया कि अब इसको मैंने दोबारा नहीं देखना, ये मैंने काट दिया, इसको मैंने दोबारा नहीं देखना। नहीं, अगर तो बराबर है तो फिर तो ओके है। डेटर्स पहले भी आपको 40 डेज में पैसे देते थे, अभी भी आपको 40 दिन में ही देते हैं। मसला कब आता, जब ये नंबर ऑफ डेज बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे इसका मतलब है कि बैड डेट का चांस बढ़ जाएगा। जब नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे, जब वो ज्यादा टाइम लेंगे, तो मेरे पास कैश आएगा मगर ज्यादा टाइम के बाद आएगा। इसी तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ जाएगा, एजिंग रिपोर्ट बढ़ जाएगी। चलिए आप जरा मुझे निकाल के बताएं ट्रेड क्रेडिटर्स, निकालें ट्रेड क्रेडिटर्स निकाल के बताएं। इसका आंसर क्या आएगा, किसके सर, लेकिन उसमें उसके साथ अदर पेबल भी आ रहा है ना, साथ, ट्रेड एंड अदर पेबल। कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे मान लें।
आप इसको ऐसे ही निकाल लो, 6500 ओवर 54750 और 7800 ओवर 83050 आंसर क्या होता है? 1 43 आएगा और 1 34 आएगा, तो 2020 के 43 और 2021 के हो गए 34। ये अच्छी बात है बुरी बात है? पहले हम क्रेडिटर को 43 दिन में पैसे देते थे, अब उनको 34 दिन में पैसे दे रहे हैं। कैश ज्यादा जा रहा है, कंपनी के पास कैश होना अच्छी बात है या कैश निकलना अच्छी बात है? कैश होना अच्छी बात है, बट इसको जरा एक और एंगल से चेक करते हैं। अगर मैं क्रेडिटर्स को जल्दी पेमेंट करूंगा तो क्या वो मेरा साथ मुश्किल वक्त में नहीं देंगे? जल्दी पेमेंट करने से हमारी इमेज बेहतर नहीं होगी? जल्दी पेमेंट करने से हमें डिस्काउंट नहीं मिल सकता? जल्दी पेमेंट करने से हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं हो सकते? पॉसिबिलिटी है ना, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है, पॉसिबिलिटी तो है। मगर ये जो बातें हैं ना, सिक्योरिटी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रेपुटेशन, ये मैं उस वक्त मानू जब हम लोग BMBS का पेपर कर रहे हो, मैनेजमेंट साइंसेस का पेपर नॉन कर रहे हो। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल पेपर कर रहे हैं। तो अभी मेरे लिए इसका इम्पैक्ट अच्छा रखूं या खराब रखूं? खराब। अब ये वाला खराब है, क्योंकि मैं इसको फाइनेंशियल टर्म्स में देख रहा हूँ, नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं देख रहा। अच्छा, अचानक से क्या हो गया कि 43 से 34? क्या सवाल ने कोई मजीद बात की है नीचे? देखिए, पिछले साल तक 43 डेज थे, सोचने वाली बात है। एक साल में अचानक हमने उनको 9 दिन पहले पेमेंट कर दिए, 9 डेज पहले पेमेंट कर दिए। क्या मैं ये सोच सकता हूं कि यार ये जो ट्रेड एंड अदर पेबल्स हैं, अभी जो अदर का वर्ड लगा हुआ है, क्या इसकी वर्किंग सही से नहीं है? देखे ना, एक रूल होता है रेशियोज में हमेशा, जैसे इसको फॉर्मूला था, क्रेडिटर्स ओवर कॉस्ट ऑफ सेल इनटू 365, ये रेशियो है। अगर मुझे इसको बढ़ाना है तो मुझे न्यूमरेटर बढ़ाना पड़ेगा या डिनोमिनेटर बढ़ाना पड़ेगा? अगर मुझे इस 34 को बढ़ाना है तो क्रेडिटर को बढ़ाना है या कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाना है? क्रेडिटर टेरिटरीज को बढ़ाऊंगा। इसका मतलब है कि देर इज अ चांस कि ये जो 7800 है, ये जो 7800 है, ये सही नहीं है, क्योंकि अचानक से 43 कम होके 34 पे आ रहा है और नीचे नोट्स में कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन गिवन नहीं है। तो पहला रिस्क ये है कि ये फिगर गलत है। पहला रिस्क क्या है कि जो 7800 की फिगर आ रही है वो फिगर ही गलत है। मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ जी, मानते हैं कि नहीं मानते? रिस्क वन क्या है, ये साइड पे लिखता हूँ, क्रेडिटर्स। रिस्क वन, जो 7800 की फिगर है वो फिगर रॉन्गली कैलकुलेट हो गई है। देखो नूर, साफ सी बात ये है, फॉर्मूला क्या है, दोबारा देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? क्रेडिटर्स ओवर कॉस्ट ऑफ सेल इनटू 365।
ऐसे ही फ्राज यहां तक बात समझ आती है? हाँ जी नूर, यहां तक बात समझ आ रही है आपको? ठीक यस सर। है, हमने जो वर्किंग निकाली, 2020 का आंसर आया 43, 2021 का आंसर आया 34, ये कम होना फाइनेंशियल टर्म्स में बैड है क्योंकि मेरा आउटफ्लो हो रहा है कैश का। नीचे जाके देखा तो हमें नोट्स के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन इस पॉइंट की नजर नहीं आ रही। नीचे नोट्स में इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया गया, बताया ही नहीं इसके बारे में। तो अब पहला रिस्क ये बन सकता है कि हम सोचने बैठ जाए, यार 43 से 34 एकदम से इतना कम क्यों हो गया? चलो कम हो जाता, 43 से 40 भी आ जाता, 41, 42, एकदम से 9 दिन कम हो गए। तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई, ये बात सुन के या वर्किंग करके आप क्या हो गए हैं? स्केप्टिक हो गए। आपने कहा काका रिस्क है। अब रिस्क में रिस्क कहाँ कहाँ पे आ सकता है? या तो ये फिक्र गलत होगी या ये फिक्र गलत होगी, या कॉस्ट ऑफ सेल गलत है या ट्रेड क्रेडिटर की फिगर गलत है। अच्छा हम क्या चाहते हैं, इसको बढ़ाना या इसको कम करना? जिनूर और फराज दोनों बताइएगा, इसको बढ़ाना नियत है या कम करना नियत है? बढ़ाना। बढ़ाना तो अगर रेशियो में एक न्यूमरेटर हो, एक डिनोमिनेटर हो, मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा हो, तो इन दोनों में से किसको बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। तो न्यूमरेटर को क्रेडिटर्स हमारे केस में न्यूमरेटर क्या था, तो इसका मतलब है कि ये जो फिगर 7800 की आ रही है, ये फिगर अंडर कैलकुलेटेड है, अंडररेटेड है, ये ज्यादा होनी चाहिए थी। आप समझ आई? ये पॉइंट आप क्लियर हुआ? ये पॉइंट आप क्लियर हुआ? अच्छा एक चीज और भी तो है, अगर मुझे इसको बढ़ाना है तो क्या मैं इसको नहीं कम कर सकता डिनोमिनेटर को? ये भी तो काम किया जा सकता है, काम किया जा सकता है, मगर 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 कॉस्ट ऑफ सेल फॉर द ईयर है वो एज एट है। ज्यादा रिस्क किसमें होता है, फॉर द ईयर में या एज एट में? नॉर्मली रिस्क ज्यादा साल की ट्रांजेक्शन में होता है या ओवर द ईयर्स फैला होता है? रिस्क ज्यादा फॉर द ईयर में नहीं होता, एज एट में होता। रिस्क हमेशा ओवर द ईयर स्प्रेड करता है। अगर तो उसी साल का होगा तो वो तो फॉरन से पकड़ा जाएगा। तो चूंकि हमने ये फिगर को बढ़ाना था तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आपकी जो अमाउंट 7800 आ रही है ना, वो अमाउंट ही गलत है। अच्छा अगर हमारा शक पड़ गया कि ये अमाउंट गलत है, तो क्या मुझे इस अमाउंट को वेरीफाई करना चाहिए? वेरीफाई करने के लिए क्या मुझे खत भेजना चाहिए, क्या मुझे क्रेडिटर से एक्सटर्नली कंफर्म करना चाहिए? तो क्या मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन करके ये बैलेंस पता कर सकता हूं? ठीक है, अब इन्वेंटरी भी हो गया, कैश एंड बैंक में हमने साथ साथ चीजों को देख लिया, प्री पेमेंट्स कर लिया, पीपी कर लिया, एक्विटी रिजर्व कर लिया, लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा लोन की ना नीचे एक कहानी दी हुई थी, हमने वो मिस कर दी है। जी एक्सक्यूज मी जी सर, ये जो आपने अभी पॉइंट बताया, इस तरह लग रहा है कि सेल्फ क्रिएटेड हमने खुद भाई अजम्पशंस लेके किया हुआ, लेकिन ऐसे भी तो देखा जा सकता है कि भाई एग्रीमेंट रिवाइज हो गया हो, इस वजह से सप्लायर को हम जल्दी पेमेंट कर रहे आप हो। लिख सकते हो, मगर रिस्क ढूंढना है हमने। इस टॉपिक का मकसद यही है कि आपने देखना है कि नॉर्मल से हटके क्या क्या हो रहा है। 43 से एकदम से हम 9 दिन नहीं गिर सकते,
43 डेज से एकदम से 9 दिन गिर के 34 डेज पे पेमेंट करना कंपनी को धचका है। अर्ली पेमेंट हो सकती है मगर वो नॉन फाइनेंशियल रीजन में आएगा। अगर आप पॉइंट ऐड करना चाहते हैं कर दें, मगर साथ लिखें कि मेरे नजदीक ये एक नॉन फाइनेंशियल डाटा है। दूसरी बात ये कि इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये सवाल आपने पहले घंटे में नहीं करना, क्योंकि इसमें मल्टीपल रीजंस हैं। आपका दिमाग किसी एक को एक्सेप्ट करेगा, एक को नहीं करेगा, और आप अपने आप से उलझ रहे होंगे कि यार ये पॉइंट बनता है या नहीं बनता। तो इस तरह का सवाल हमेशा आपने एंड पे करना, खिचड़ी पकेगी सवाल में। तभी मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपसे कहा था कि ये आपने एग्जाम में अटेम्प्ट ही सबसे आखिर में करना है, ताकि आपके पास कम टाइम हो और आप इस तरह के सवालों को बस समेट रहे हो, तो ज्यादा गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज इसमें बहुत गहराई है। अगर मैं चाहूं तो पूरा कैश का अकाउंट खोल सकता हूं कि ये 2682 से कम होके 592 पे कैसे आ रहा है। फिर इन्होंने एक्विटी और रिजर्व के बारे में भी नहीं बताया कि इन्होंने शेयर्स इशू किसको किए हैं, इसके बारे में कोई डाटा नहीं है। ये भी एक अनएक्सप्लेन फ्लक्चुएशन है। आप ये वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि भाई कौन से शेयर्स इशू कर रहे हो, बोनस है, राइट है, फिर ऑर्डिनरी है, प्रेफरेंस है, ये पैसा कहाँ पे जा रहा है, फिर क्या ये पैसा सही से वर्कआउट हुआ है या नहीं हुआ। तो पॉइंट्स ऐड होने को बहुत सारे हैं, आपने संभल संभल के चलना। चलो आगे, हो सकता है किसी ने इक्विटी को लिखा हो, किसी ने ना लिखा हो, किसी ने कैश को लिखा हो, किसी ने ना लिखा। तो ये इसका सोल्यूशन कभी भी आप सबका 100% मैच नहीं हो रहा होगा। क्लियर? लॉन्ग टर्म लोन के बारे में देखते हैं। लॉन्ग टर्म लोन में वो क्या कह रहा है, 20 मिलियन का लोन है, 10 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे होना। यार एक साल में कितने क्वार्टर होंगे? चार चार। ईयर एंड क्या है? 30 जून। जरा मुझे क्वार्टर लिखवाएंगे कौन कौन से हैं? अगस्त 31 अगस्त, अगस्त, 30 सितंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर अच्छा और 30 मार्च एंड देन अच्छा 30 जून। ठीक है। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर और लोन के ऊपर एक फिक्स मार्कअप है 9%। मार्कअप है 9% का। ये जो 9% का मार्कअप है, क्या ये उस लोन की अमाउंट में ऐड होता है या इसको हम अलग से एक्सपेंस ट्रीट कर रहे होते हैं? एक्सपेंस ट्रीट कर रहे होते हैं। तो क्या एक्सपेंस की फिगर मुझे बैलेंस शीट में मिलेगी या इनकम स्टेटमेंट में मिलेगी जाके? क्या इनकम स्टेटमेंट में हमें नजर आ रही है? कितनी ये से फाइनेंस कॉस्ट आ रही है? 1530 से 675, और लोन 12,000 से कम होके 6,000 पे हो गया। 12,000 का लोन पिछले साल हमने कब लिया है? 30 जून 19 को लिया है। 30 जून 19 को लिया, यानी कि पिछले साल के शुरू में हम खड़े हुए हैं। हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? 30 जून 21 पे हमारा ईयर स्टार्ट हुआ होगा। यकम 7 20। 200 लोन कब लिया है? लोन कब लिया है? 30 6 19, यानी कि 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, 1 साल हुआ लोन लिए हुए। कितना कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए। और कितनी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं? कितनी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं? 10। कितने सालों में लोन पे होगा? कितने सालों में लोन पे हो रहा होगा? 2.5 साल में। 2.5 में से कितना टाइम गुजर गया? 2 साल। कितना रह गया है? 0.5। कितना रह गया? आधा साल रह गया। अच्छा जी, अब देखते हैं। 12,000 का लोन अगर लिया हो, अगर आपने, यहां करता हूं लॉन्ग टर्म लोन, बारह हजार का लोन लिया, तो 12,000 के पीछे इसकी पेमेंट अब हो रही है क्वार्टरली बेसिस पर।
कितने का लिया? सॉरी, 20 का लिया, 20 का लोन लिया, 20,000 रुपये का लोन लिया हो, पेमेंट क्वार्टरली हो रही है, यानी कि एक साल में 4 दफा आपने उसको माइनस करना है, 10 क्वार्टरली है, यानी कि 2,000 रुपया हर क्वार्टर में मैं पे कर रहा हूं, ऐसे ही है, 2,000 रुपया हर क्वार्टर में पे हो रहा है, हाँ या ना? लोन कितने का है? 20,000 रुपये का लोन है ना, 20 मिलियन का, ऐसा ही है। हाँ जी बताएं यार, कंफ्यूज क्यों हो गए हैं? जैसे 2,000 की पेमेंट होगी 2,000 रुपया पर क्वार्टर जाएगा। अच्छा जी, ये मेरा ईयर एंड होगा 2021, मेरा है ना, तो 2020 और 2021, यहां पे लोन आया क्वार्टर 1 2,000, ये रह गया 18, फिर क्वार्टर 2 2,000, ये जगह कम पड़ जाएगी, अलग कर लेंगे, जगह हमें शॉर्ट पड़ जाएगी, आगे ले जाते लॉन्ग टर्म लोन। अमाउंट है 20,000, 2021, 2020, क्वार्टर 1 2,000, प्रिंसिपल रह गया 18,000, क्वार्टर 2 2,000, प्रिंसिपल रह गया 16,000, क्वार्टर 3 2,000, प्रिंसिपल रह गया 14,000, क्वार्टर 4 2,000 और प्रिंसिपल रह गया 12,000। सर जी, जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 9% का, ये फिक्स्ड मार्कअप है 9% का। क्या हम इसका इंटरेस्ट क्वार्टरली चार्ज कर रहे हैं या एनुअली चार्ज कर रहे हैं? क्या मुझे हर क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट निकालना है? फिर जैसे हर क्वार्टर पे निकालना होगा। निकालें, करें वर्थी, निकाल के बताएं। फर्स्ट क्वार्टर का 600 है। अच्छा, सेकंड का बताएं, पहला 540। 600 में, 6,000 है, 600, 540 आगे, 480। आगे 420। ऐड करें, 2040। 1 नोट बंद होगी, 1 सेकंड ठहरिएगा। मेरी 1 नोट में से नाराज हो गई। हाँ जी, शो हो गई फिर से। अच्छा, नहीं अभी तक तो नहीं। अभी यस सर, यस सर। हाँ जी, करें ऐड, क्या आता है 600, उसके बाद आपने क्या मुझे बताया था, दोबारा लिखवाएं जरा फिगर्स, 600, उसके बाद फिगर क्या थी? 540, 480। अच्छा, एंड 420। आंसर क्या आ रहा है? 2040। कोई और इसको काउंटर करना चाहे, कोई और इसको काउंटर करना चाहे इस फिगर को, इस फिगर को अगर आप काउंटर करना चाहें तो बताएं। हाँ एनीवन, एक कमेंट बार बार आ रहा है सर, फर्स्ट का 450 बन रहा है, मगर कैसे?
एनीवन जो काउंटर करना चाहे इसको। तो फनास कॉस्ट बन रही है, वहां पे कितनी आ रही है? ये चल गया, ये 1530 इन्होंने क्या गलती की होगी? इन्होंने क्या गलती की होगी फिर? एनी आइडिया, गेस करें। या जो पेड होगा उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा। इन्होंने या तो क्वार्टरली बेसिस पे वर्किंग नहीं की, या इन्होंने कोई और भी अमाउंट है किसी और लोन की उसको भी अकाउंट फॉर किया होगा। सर अगर क्वार्टरली बेस पे वर्किंग ना की होती तो 1800 वैल्यू बनती है, लेकिन ये कम है। एक सेकंड मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। हाँ जी, पंद्रह सौ तीस पंद्रह सौ तीस की फिगर कैसे है? देखिए, साल के एंड पे लोन कितना बच गया? बारह का बच गया, 12 पे लगाए जरा 9%, कितना आता है? 1080 10। 80 और वो लेके बैठे हमें 1530। इसका मतलब है कि कुछ और भी है। अगर उन्होंने इस तरह भी किया हो ना, जो साल का निकाला हो, तो स्टिल देर इज अ गैप। और वो गैप कितना है? गैप कितना आ रहा है? 450 और अभी एक 450 की अमाउंट मुझे आ भी रही थी। फराज भाई, आपने बताया था तो इसका मतलब है उन्होंने वर्किंग सही से नहीं बनाई थी। ये जो एक्सपेंस की वर्किंग है, या ये सही नहीं है, पहला रिस्क क्या है? या तो ये एक्सपेंस की वर्किंग सही नहीं है, दूसरा रिस्क क्या है? कि कोई पेनल्टी है, कोई और मसला है, कोई और लोन भी एक शायद एग्जिस्ट करता हो जिसके भी फाइनेंस खर्चे हो और उन्होंने वो खर्चे इसमें सही से क्लब इन नहीं किए। पहली बात क्या है कि उन्होंने तो ये वर्किंग बनाई ही गलत है, बनाई ही गलत है, मगर स्टिल उस गलत में भी 450 का एक डिफरेंस आ रहा है। अगर उन्होंने क्वार्टरली नहीं बनाया, पूरे साल का बनाया हो, तो आता 1080, और वो निकाल कर बैठे हैं 1530। अगर ये फिगर होती तो मैं उनकी गलती तक पहुंच जाता, मगर इसमें भी 450 मजीद है। ये मजीद क्यों है? या तो डिलेड पेमेंट की वजह से इनको कोई ना कोई पेनल्टी पड़ी है, या तो इन्होंने कोई और मसला किया है, कुछ तो गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ मुझे वेरीफाई करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाइयों, मुझे इसको रीकैलकुलेट करने दें, तब जाके मैं, यस फ्रॉड हो सकता है, तब जाके मैं पहुंच पाऊंगा। तो मुझे पेनल्टी के अमाउंट चेक करनी पड़ेगी, बैंक स्टेटमेंट मंगा के चेक करनी पड़ेगी, और इस तरीके से मैं लोन एग्रीमेंट को वेरीफाई करूंगा। अगेन, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन और एलोकेशन। ये पॉइंट समझ आया? लॉन्ग टर्म लोन वाला, यहाँ पे हम मिस्टेक के ऊपर मिस्टेक अज्यूम क्यों कर रहे हैं? मतलब ये देखें, जैसे आपने कहा इनके कि अंदर अगर वो गलती करता, अगर वो गलती करता तो क्या करता? नॉर्मल क्या होता? वो पूरे साल पे एक ही रेट लगाता,
लेकिन वो गलती भी नहीं हुई ना, क्योंकि यहाँ से जाहिर नहीं हो रहा, तो आप बिल्कुल इसको इस तरह कर लें कि अगर 2040 की वैल्यू देखें वहां पे उन्होंने कितना रिकॉर्ड किया, अगर अंडरस्टेट रिकॉर्ड किया तो इट मीन कि उन्होंने कैलकुलेशन ठीक नहीं किया। हम ये भी तो कमेंट कर सकते हैं ना, ये बजाय इसके कि हम कहेंगे कोई और लोन है और या पेनल्टी पे जाएं। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। आप अगर मैनेजमेंट में हो तो या आप ये वाला काम करते जो कि ठीक होता, जितना भी आपने मुझे करके दिया मैं इसको ओके मानता, और अगर ये अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रही होती फाइनेंशियल्स के अंदर तो मेरे लिए ये अनमॉडिफाइड। ऐसा ही है कि यहां पे आप मेरे साथ एग्री करते हो? यस अच्छा, अगर आप बहुत ही गए गुजरे अकाउंटेंट होते तो आप क्या करते? आप पूरे साल की पेमेंट्स को माइनस करते। आपने 8,000 रुपया माइनस किया, साल के एंड पे जो बैलेंस आ रहा था वो पकड़ा, 9% पकड़ा, और आपका फिगर आता 1080। ऐसा ही है। सर, मगर ये वो बंदा करता जो कि बहुत ही कोई गया गुजरा होता। उन्होंने इस फिगर को भी बढ़ा के बता दिया है 1530। ये फिगर भी बढ़ा के बता दिया। इसका मतलब है कि ये शायद उसने किया है, ये उसने किया है। 1530 का ब्रेकअप भी हो सकता है कि 1080 ऐसे आया हो, और बाकी का जो 450 है ये कोई ना कोई और पेनल्टी हो, कोई ना कोई और लोन हो, कुछ ऐसा हो जो कि वो छुपा के बैठे हुए हमसे। तो इस फिगर में दो बातें छुपी हुई हैं। अगर ये नॉर्मल अकाउंटेंट करता तो ये तो चलो आ ही जानी थी फिगर। अगर सिर्फ ये आ रही होती ना तो हमें इसके बारे में सोचना भी ना पड़ता। बट उन्होंने इस गलती में भी एक और गलती ऐड करके उसको छुपाया हुआ। तो ये एक फिगर मुझे मिल गई है जो कि पेनल्टी और लोन में से कोई ना कोई एक मसला हो सकता है जो कि मुझे उनसे डिस्कस करना पड़े। आप समझ आई? नूर, ठीक। अच्छा जी, अब और क्या है यहाँ पे हमारे पास डिस्कस करने के लिए? लोन हो गया, पेबल्स हो गया, प्री पेमेंट्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया। समझ आ गया था, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है। अच्छा एक काम और करें, 577 पे 30% लगाएं जरा। क्या टैक्स यही आता है? 577 पे लगाएं 30%, क्या टैक्स यही आता है? 1710 17 दोबारा 10 लगाएं, 577 पे 30% लगाएं। अरे मैंने वो 5700 समझ लिया था, अब आ रहा है 1731। ये सही आ रही फिगर। और ये निकालना था 14175 पे। ठीक फोर टू फाइव थ्री सही आ रही फिगर। इसका मतलब है कि अब इस पूरे सवाल में से हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको जरा कॉम्प्रिहेंड करते हैं। एक्विटी एंड रिजर्व के ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हम लिख सकते हैं कि हमें मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, ये पॉइंट ऐड किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म लोन डेफिनेटली आना ही आना है। अदर पेबल्स आ सकता है, पीपी के बारे में उसने बता दिया हुआ है हमें नहीं जाना। प्री पेमेंट्स आ सकता है, डेटर्स बराबर आ रहे हैं जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री डेफिनेटली आएगा। कैश एंड बैंक में जाएंगे तो फंस जाएंगे, तो कैश एंड बैंक को इग्नोर करके भाग जाए। सेल्स के बारे में वो बता रहा है 20% से सेल्स इंक्रीज हुई है, वो हमने निकाल भी ली थी फिगर 1.2 के साथ, तो ये भी ओके है। कॉस्ट ऑफ सेल वैसे ही ओके है। एडमिन वाला खर्चा 125 का रिकॉर्ड होना चाहिए था, वो नहीं बताया, ये पॉइंट। फाइनेंस कॉस्ट में मसला बताएंगे। टैक्सेशन की वैल्यू ठीक है। तो कितने पॉइंट्स मेरे पास सामने बन रहे हैं, कितने स्टार लगाए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 बातें हैं जो कि मैं 10 नंबरों के लिए कवर कर लूंगा। मगर 7 में से उसने मांगी कितनी है, फोर तो आपने 4 वो लिखनी है जिसको आप सही से एक्सप्लेन कर सके।
आप समझ आए कि सवाल अटेम्प्ट कैसे करना है। हाँ यस सर। जी, बाकी रात सो रहे हैं जाग रहे हैं? ये सर जाग रहे। तो आई कैब में कभी भी गलती से ये सवाल पहले घंटे में नहीं उठाना, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत बुरा फंस जाएंगे। कुछ इस तरह एक ट्रेंड होता है ना क्वेश्चंस का, तो इसका क्या चांसेस है इस तरह ज्यादा के ट्रेंड क्वेश्चंस? नहीं है आई कैब में, कभी भी किसी भी पेपर का कोई खास ट्रेंड नहीं होता, कभी भी कुछ भी पूछ सकता। उसने वैसे रिसेंटली पूछा भी है, रिसेंटली आया एक सवाल इसमें से, लेंथी तो है, सोचना भी है, लिखना भी है, लेंथी भी है, मगर एक बात बताऊं, इसके अलावा हर स्टेप के मार्क्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप डिफरेंस निकाल के बता दें, नंबर मिल जाएंगे, आप डिफरेंस इन परसेंटेज बता दें, नंबर मिल जाएंगे, आप रिस्क आइडेंटिफाई कर लें, नंबर मिल जाएंगे। अगर तो आपकी इस पे बड़ी अच्छी ग्रिप बनी हुई है, तब तो ये सवाल आसानी से आप उठा सकते हैं पहले घंटे में, या नहीं सॉरी सेकंड आवर में, फर्स्ट में तो फिर भी नहीं करना, सेकंड आवर में या थर्ड आवर में। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये टाइम खाएगा, तो फिर थर्ड आवर में सुकून से करते जाएं, जब तक 12:15 नहीं होते इसको लिखते जाएं बेशक, क्योंकि फिर आपको पता है कि इसके पीछे कोई और करने वाला सवाल है नहीं, यही है और मुझे इसके साथ खेलना है। तो कम टाइम में खेलेंगे तो पूरा पेपर डिस्टर्ब भी नहीं होगा और आप इसको अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे। एक और सवाल करें, तैयार है? एक सवाल ये है, ऑटम 23 में आया था, आपने बताना है कि ये आपके जूनियर ने कुछ आपको बना के दिया है, आपने आइडेंटिफाई करनी है डेफिशिएंसीज 3 नंबरों के लिए। चलिए इसको ट्राई करें, पहले आप लोग ट्राई करें फिर मैं आपसे करवाता हूँ। आपके पास 10 मिनट है, 12:52 हुए हैं, 1:02 में आपसे मुलाकात होगी। आपने करना ये है कि आपने सवाल पढ़ना है और सवाल में से गलतियां निकालनी है, डेफिशिएंसीज निकालनी है इन द अबव प्रोसीजर्स। सोचे तो सही, अटेम्प्ट तो करना स्टार्ट करें। तो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है 3 पॉइंट्स, ये 2023 के हैं या 22 के हैं? कौन से? हाँ से ये जो स्टोर्स इंक्रीज हुए हैं या क्लोज किए हैं, ये 2023 के हैं या 2022 के? इसका जवाब इसी में छुपा लो। सर ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। ओके ओके सॉरी।
हाँ जी हो गया। सर। की बात है, आइए देखते हैं सवाल क्या था। ऑडिट जूनियर वॉज असाइंड अ टास्क कि उसने वेरीफाई करना है रेंट एक्सपेंस फॉर अ चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स, और ये डेटा उसने देखा है 2022 में, ये है 23 में। देर इज एन एनुअल रेंट इंक्रीज ऑफ 10%, यानी जब 22 से 23 में गए होंगे तो 10% का इंक्रीज आया होगा। इस फिगर को 1.1 से मल्टीप्लाई करें, वन बिल्कुल सही हुआ है यहाँ पे 198.75। नाइन 1987580 मल्टीप्लाई बाय 1.10 इज इक्वल टू 21990120। तो 10% पिछले साल से इस साल किराया बढ़ गया। फिर कुछ और बातें भी हैं, 10 ये दुकानें नहीं बंद आना, हैं। इसका टोटल ये नहीं आएगा 2-1। ये जो नीचे टेबल में वैल्यू थी वो ठीक थी, 2186347। ये वाली वैल्यू नहीं आ रही, नहीं, ये तो मैंने आपसे पहले पूछा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? ये जो नीचे लिखी हुई 2186347। ये वाली आ रही है, यस सर। ये 21863 47 ऐसा ही है नूर। यस सर। ठीक, तो 10% अगर हम पिछले साल के रेंट में ऐड करें तो हम किस रेंट पे पहुंचते हैं मैथमेटिकली? मगर सवाल ने ये कहा कि 2 प्लस है और 10 माइनस है, क्या मतलब? दो स्टोर नए खुले हैं और 10 दुकानें बंद भी तो हो गई हैं। तो जूनियर ने क्या किया, जूनियर ने कहा मैं सबस्टांटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स बनाता हूं ऐसी की तैसी। उसने कहा पिछले साल का रेंट, उसने कहा 10% का इंक्रीज, उसने कहा 21863479। अच्छा, कंपनी ने क्या रेंट रिकॉर्ड किया हुआ है? 21990120। डिफरेंस आता है 1,26,641 रुपये, जिसको ये भाई साहब इमटीरियल समझ के जा चुके। उसने कहा यार बच्चों सा बच्चा ही ये, मतलब बहुत ही बच्चों वाला फर्क है, करीब करीब है, तो ज्यादा तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टैली हो गया, उसने डबल टिक लगा दिया। तो जूनियर ने सिर्फ रिलाय किस पे किया है, सबस्टांटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स के ऊपर। मगर ये भाई साहब भूल गए हैं कि ये भी तो 2 पॉइंट्स हैं उसके पास, +2 -10। तो क्या इसकी वजह से रेंट में फर्क नहीं आना चाहिए? यस सर, दस दुकानें एक्चुअली रेंट कम होना बंद हो रही, चाहिए। 10 दुकानें बंद हो रही हैं, 2 ओपन हो रही है, नहीं तो ये जो 8 दुकानें बंद होने से रेंट बचेगा, रेंट बचना चाहिए था, मगर क्या रेंट बच रहा है या रेंट बढ़ रहा है? रेंट मेरा बढ़ रहा है। जो कंपनी ने फिगर दी है वो है 21990120 की। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने भी इस रेंट एक्सपेंस को निकालने में गलती की है। कंपनी की ये फिगर ओवर वैल्यूड लग रही है मुझे। ये अपनी जो फिगर है दैट इटसेल्फ इज ओवर वैल्यूड। तो 2023 की जो फिगर है वो कम होनी चाहिए थी, मगर यहां तो बढ़ रही है। क्योंकि देखे ना, ब्रांचेस कम हो रही हैं 10, बढ़ रही हैं 2। सवाल ने ये नहीं बताया कि रेंट सबका सेम है या नहीं, तो आसानी किसमें है? रेंट सबका सेम रख लो, आसानी यस सर। किसमें है? तो 2 बढ़ रही हैं 10 कम हो रही है, नेट क्या आ जाएगा? 8 कम हो रही है। जब 8 ब्रांचेस कम हो रही हैं, इट मीन्स कि ये वैल्यू ऑलरेडी कम होनी चाहिए थी जो कि बढ़ी हुई है। तो यहां पे मुझे रेंट एग्रीमेंट देखना पड़ेगा।
यहाँ पे मुझे जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं उनसे बात करनी चाहिए। नहीं, मैंने पहले भी कहा था फरिया, गोइंग कंसर्न वाली बात को एकदम से नहीं बीच में ले आना। हर मसला गोइंग कंसर्न नहीं होता, हर मसला गोइंग कंसर्न नहीं होता सर। इन्फ्लेशन की वजह से तो भी तो रेंट बढ़ सकता है सर, वो बढ़ तो रहा है 10%। ये जो 10% बढ़ा रहे हैं, ये क्यों बढ़ा रहे हैं? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बढ़ा भी लें 10%, स्टिल 23 का काम होना चाहिए। इसकी एक आसान मिसाल कर लेते हैं। ठहरे, एक डमी डाटा ले आते हैं। 10 दुकानें हैं और हर दुकान का किराया है 100 रुपया, और 100 रुपया महीना पर मंथ। मुझे बताइए 2024 में कितना रेंट आएगा मुझे? 10 दुकानें, 100 रुपया मल्टीप्लाई बाय 12, रेंट कितना आना चाहिए? 12,000। 12,000। मैंने कहा 2025 में 10% की इन्फ्लेशन है। अज्यूमिंग कि कोई दुकान बंद नहीं हुई, कोई दुकान मैंने नहीं ऐड की, तो 12,000 को 1.1 से मल्टीप्लाई करता, आंसर क्या आता? 1,320। 13,200। यस, इसमें अजम्पशन क्या है कि कोई दुकान बंद भी नहीं है, कोई दुकान बड़ी भी नहीं है, मगर हकीकत ये है कि अब ये 10 में 2 ऐड हैं, और 10 में 2 ऐड हो गई हैं, और लेट सपोज हम कहते हैं कि 6 बंद हो गई। 10 में 2 ऐड हो गई हैं, 6 बंद हो गई हैं। किराया अब 100 से बढ़ के कितना हो गया है? 110 महीने वही हैं। अब निकालें आंसर क्या आता? 7,920। 12 माइनस 6, 6 × 110 × 12। हाँ जी, क्या आ रहा है आंसर 7,920। बाकियों का? तो अगर मैं इन्फ्लेशन ले भी आऊं, 10% की इन्फ्लेशन मैं ले भी आया हूं, तो ये वैल्यू इससे भी कम होनी चाहिए और इससे भी कम होनी चाहिए। ये पॉइंट समझ आया सर्वर भाई, जो भी आपने पॉइंट रेस किया था? सर, कैन वी से दैट के वी शुड नो द टोटल नंबर ऑफ शॉप सो दैट वी कैन कैलकुलेट द रेंट फ्रॉम ईच शॉप, देन वी विल बी एबल टू एक्सक्लूड द रेंट ऑफ दो शॉप। जी बिल्कुल, क्योंकि सवाल ने डाटा नहीं दिया कि हर दुकान का रेंट क्या है, तो प्राइम अजम्पशन मेरी क्या होनी चाहिए थी कि रेंट सबका सेम है? क्योंकि सवाल ने नहीं बताया कितना रेंट है, तो प्राइम अजम्पशन सेम रखूंगा तो जरा ज्यादा सुकून में रहूंगा। तो इन्फ्लेशन को डालने के बाद भी ये 7,920 है। इसका मतलब ये है, आप जरा गौर कीजिएगा, क्या ये 12,12 सेम है? ठीक यस सर। है, या तो मैनेजमेंट ने ये वर्किंग गलत की होगी, या तो मैनेजमेंट ने ये वर्किंग गलत की है, या मैनेजमेंट ने ये वर्किंग गलत की, या दोनों ही गलत की हैं, जिसकी वजह से रेंट कम आने के बजाय बढ़ गया। जिसकी वजह से रेंट कम आने के बजाय बढ़ गया है, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स वही है, उसमें मसला नहीं आ रहा होगा। मसला कहां पर आया होगा? या उन्होंने दुकानें माइनस नहीं की, ऐड कर ली है, या उन्होंने इन्फ्लेशन का इफेक्ट लिया है या नहीं लिया। तो मैनेजमेंट की गलती या इस पे हो सकती है, या इस पे हो सकती है। ये सेम है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मंथ्स है, तो आसान वाली बात है। कुछ भी हो सकता है, मैनेजमेंट दोनों में गलतियां कर सकती है, किसी एक में भी कर सकती है। या इन्फ्लेशन सही से नहीं ली, या जो दुकानें हैं वो सही से कम ज्यादा नहीं की। क्लियर? यस सर। जरा जाके अपना ग्रुप देखे, मैंने कुछ भेजा है वहां पर। ग्रुप खोले, ग्रुप खोला, यस सर। वहां एक सवाल आ रहा होगा, उसका जवाब है। स्प्रिंग 19 का जो सवाल है ना, वो ये है जाकिर, ये गलती से लिखा है, बस 16, ये 16 नहीं है, ये टाइपो एरर है, ये 2019 है। तो ओके। ये अब आपने खुद अटेम्प्ट करना है।
ये वाला सवाल, और अटेम्प्ट करने के बाद आपने वो लेक्चर सुनना है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ कहाँ पे गलतियां की। हो जाएगा? पेशे यस सर। किसको आज कर लें या जब आप लोग मिड तैयार करने लगेंगे तब कर लीजिएगा, मगर करना है, ठीक है, करना जरूर है। ये एक सवाल करते हैं, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। जो इसकी थ्योरी है वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर देता हूँ, उसमें बस पढ़ना ही है और कुछ नहीं है। सर, मंडे वाला टेस्ट नेक्स्ट वीक होगा। अब तो आपका मिड आ रहा है ना, एक थर्सडे को मिड है और एक मंडे को मिड है। एक मिड है फराज भाई थर्सडे को, वो कौन सा भला, 17 को, और एक है 22 तारीख को। अच्छा जी, चलिए पहले आप लोग ट्राई करें, 9 नंबर का सवाल है, ट्राई करें, फिर मैं बात करता हूँ उसके ऊपर। 9 नंबर का सवाल है, पहले जरा कोशिश करें, देखें आप लोग हाथ पांव मारे चलाएं, समझ आती है या नहीं आती। एक 10 हुए, मैं आपके पास एक 20 पे आता हूँ, मगर ट्राई करें पहले खुद इस सवाल को।
जी क्या हालात है। शुरू करें या आप लोग पहले मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने क्या क्या किया और किया भी है या नहीं किया। देखिए आप मेरे सामने तो है नहीं, अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोग बात मानते होंगे, अज्यूम ही कर सकता हूँ। आवाज सबको क्लियर है जी? शुरू करते हैं। सबसे पहला देखते हैं, हमें वो कंपैरिजन दे रहा है 2010 का डाटा, 11 का डाटा और 12 का डाटा। 10, 11, 12 ईयर एंड है 30 जून 12, मगर ये हमारे साल में डाटा जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 8 महीनों का। एक सवाल है, ये 8 महीने क्यों, ये पूरा साल क्यों नहीं है, ये क्यों 8 महीने का डाटा दिया? 8 महीने की क्या लॉजिक है? इंटायर मॉडल। एग्जैक्टली गुड। असल में होता ये है कि जब आप इंटरिम पे जाते हैं ना, तो आप उनसे उतने टाइम तक की ड्राफ्ट फाइनेंशियल उठा के ले आते और फिर फर्म में बैठ के प्लानिंग करते हैं कि कौन सा एरिया रिस्की ज्यादा है, किस बंदे को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, करना कैसे है, कंट्रोल्स कैसे हैं, खत कैसे भेजने हैं, वो सारी बातें फिर इंटरिम के बाद हो रही होती है। जीपी 40 40 35, 2 साल 40 रही, 8 महीनों तक का जो डाटा है वो 35% है। कुछ इसके बारे में बयान करना चाहेंगे? क्या जीपी कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहे हैं। कम हो रहा है। और कम क्यों हो रहा होगा, क्या रीजन है जीपी कम होने की? प्रॉफिट कम हो रहा है। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट ओवर सेल। जीपी 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 तो अगर जीपी मेरा कम हो रहा है, इससे क्या मुराद है, कि प्रॉफिट कम हो रहा है या बढ़ रहा है, या प्रॉफिट कम हो रहा होगा या सेल? हाँ जी या तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है या मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, या कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है या मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है, जो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है वो ही कम है। और वो कम क्यों है, या सेल कम है, या सेल कम है, या कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है? देखिए ना, 10 रुपए की सेल हो और 6 रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल हो, ये 4। अब अगर ये 4 2 में जा रहा है, तो एक ऑप्शन ये है कि ये 10 है और ये 8 हो गया, और दूसरी ऑप्शन क्या है, ये 6 ही रहा है और ये 8 हो गया, ऐसा ही है जी। अगर 4 कम होके 2 बन जाए, तो एक ऑप्शन ये है कि मैं इस 10 को स्टेगनेंट रखूं और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दो। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं कॉस्ट ऑफ सेल को स्टैग्नेंट रखूं और सेल प्राइस कम कर दूं। तो अगर मेरा प्रॉफिट गिर रहा है, तो एक रीजन हो सकती है या सेल्स कम है, और एक रीजन हो सकती है या कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई। क्या सवाल ने बताया? क्या सवाल ने बताया इनमें से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? सवाल ने हमें नहीं बताया, सवाल ने हमें नहीं बताया। मगर क्या सवाल ने हमें रीजंस निकालने के लिए कहा है या रिस्क निकालने के लिए कहा है? रिस्क निकालने के लिए। तो पहला रिस्क ये है
या पहली रीजन ये है कि जनाब सेल 10 से कम हो गए 8, फर्ज करें मैं कहता हूं सेल 10 से कम हो गए 8 हो गई है, इसके पीछे क्या क्या रिस्क है? 10 से कम हो गए 8 पे आ गए हम लोग, क्या क्या रिस्क आपको नजर आता है? सोचे जरा, डिमांड कम हो गई है या इन्वेंट्री? डिमांड कम हो गई है, हो सकता है कि इन्होंने डिस्काउंट देने शुरू कर दिए हो, रिस्क हो सकता है कि प्राइसिंग गलत चार्ज की जा रही है। और अगर डिमांड कम होगी तो इन्वेंट्री भी तो ऑब्सलीट, उसका भी लिख सकता ना नहीं, वो इन्वेंटरी में जाएगा, वो यहाँ पे आएगा, है। ओके अभी हमने सिर्फ जीपी की बात करनी है ना। अच्छा, और एक और फैक्टर गया था, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई है। तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है, इट मींस कि जो मेरी परचेजिंग कॉस्ट है, जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो बढ़ रही है। जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें इंक्रीज आ रहा है। तो ये आपने दो बातें यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इन्वेंट्री टर्नओवर 78 से 105, 105 से 120 बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। अच्छी बात है, बुरी बात है? इन्वेंट्री टर्नओवर बुरी बात क्यों बुरी बात है? है, क्योंकि इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम ले रही है तो ऑब्सोलीट का चांस है। यस, इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम ले रही है। तो यहाँ पे अगेन वो इम्पेयरमेंट वाली बात, सॉरी मुंह से इम्पेयरमेंट निकल गया, फिर से लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी वाली बात आप मेंशन कर सकते हैं। सेवेंटी एट 105, अच्छा 78 105, ये कितने टाइम्स बढ़ रहा है? 78 अगर 105 में जा रहा है तो कितने टाइम्स बढ़ रहा है? टू टाइम्स या थ्री टाइम्स या फोर टाइम्स? सेवेंटी एट माइनस 105 डिवाइडेड बाय 78 का क्या बताएं आंसर क्या आ रहा35% अप्रोक्सीमेटली। है? 35%, यानी कि 1.35। और 105 120 में गया है, इसका भी निकालें जरा। 105 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 105, 14.28, 14 पॉइंट, 28%। यहाँ पे गया था 35 था, 38 था, कितना था? 35%। 35। अब एक काम करें, 78 को रखें और 120 के साथ कंपेयर करें, यानी कि 10 से 11 और 10 से 12 में क्या क्या फर्क है? तो जब 10 से 11 गया तो 35%, और जब 10 से 12 में गया तो कितना? 54% बन रहा है। 54%, यानी कि इससे भी ज्यादा कर गया। तो यहां पे मुझे उस इन्वेंट्री की वैल्यू के ऊपर अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। अच्छा जी, करंट रेशियो, करंट रेशियो में नॉर्मल हम कहते हैं कि इट शुड बी 2:1, दो नेट एसेट्स हो और एक लाइबिलिटी हो। क्या 2.6 और 2.3 अच्छी रेशियो है या नहीं है? नहीं, नहीं, इतना भी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए इन्वेंट्री का या करंट एसेट्स का। 2:1 है ना, 1 मिनट, 2:1 है, टू टू रेशो पर... सिक्स को कंसिडर कर देखो ना, 2:1 मिनिमम ये होनी चाहिए, रही हूँ। यस सर, तो 2:6 और 2:3 तो अच्छी है फिर, गुड है। बट ये गिर गई है, गिर के 1.5 पे खड़ी हुई है, क्या करूं? ये जो करंट रेशियो में डिक्लाइन आया है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि लिक्विडिटी इश्यूज है कंपनी के अंदर? यस और क्या इससे मेरी गोइंग कंसर्न में डाउट में जाती है या नहीं? याद करें 570 गोइंग, फाइनेंशियल कंडीशन। यस, गोइंग कंसर्न में भी खतरा है। अच्छा, करंट रेशियो होती है 1:1, तो 1.7, 1.6 तो अच्छी है, ये ले, ये भी गिर गई है, 0.78 पे आ गई है। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करके देखूं ना, तो मेरी गोइंग कंसर्न हिल गई है। देखिए जरा गौर करें, इन्वेंट्री भी कम बिक रही है, प्रॉफिट भी कम हो रहा है,
तो ये चारों फैक्टर्स अगर मैं मिलाऊं तो क्या गोइंग कंसर्न डाउट पे नहीं जा रहे? यस मटेरियल अनसर्टेनिटी है। तो गोइंग कंसर्न भी हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अरे सर लेकिन ये पूरे 12 मंथ हाँ का डेटा तो नहीं है ना। मैं इसी सवाल का जवाब दूंगा। देखें प्लान हमेशा एक्चुअल से फर्क होगा, क्योंकि आपके पास डेटा इंटरिम का है और आपने इंटरिम पे बैठ के प्लानिंग करनी है। तो याद कर हमने कहा था गोइंग कंसर्न का हमेशा एक डाउट क्रिएट होता है और उस डाउट से हम कहते हैं कि भाई हमें असेसमेंट बना के दो। वो वाली बात याद है 570 वाली, कि डाउट है, डाउट से असेसमेंट बना के दो। तो डाउट उसी वक्त आता है जब हम इंटरिम में जाके नॉर्मल से कम मंथ्स का डाटा वेरीफाई कर रहे हो, वहीं से हमें डाउट क्रिएट होगा। अगर तो हमारे पास 12 महीनों का डाटा हो, वो तो फिर एक्चुअल ऑडिट है, वो तो फिर फाइनल ऑडिट है। फाइनल पे जाने से पहले ही तो हमने रिस्क पकड़ना है कि किस किस एरिया में हमने ज्यादा काम करना है और किस एरिया में कम काम करना। तो ये अभी मैं ये नहीं कह रहा कि वाकई में गोइंग कंसर्न पे खतरा है, मैं कह रहा हूँ डाउट क्रिएट हो सकता है, हम इसको ओवरलुक नहीं कर सकते। ये डाउट है, इंडिकेशंस है। बिल्कुल सर, हम मंथ वाइज डिवाइड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि डाटा नहीं दिया हुआ ना मंथ वाइज, उसने 8 महीनों का इकट्ठा डाटा दिया। यानी कि आप 8वें महीने पहुंचे, फेब में गए और ये फिगर्स निकाल कर ले आए। अब आपने कंपेयर करना है उसको पिछले 2 सालों के साथ और एनालाइज करना है कि क्या हालात सीधे हैं या नहीं है। ऑब्वियसली जब ये डाटा 12 महीनों का होता तो फर्क होता, पर अब चूंकि डाटा है ही 8 महीनों का और मुझे कंपेयर भी उसी 8 महीने के साथ ही करना पड़ेगा पूरे साल को, जिससे कुछ बातें मेरे सामने आएंगी खतरनाक, वहां से मैंने फैसला करना है कि मैंने किस एरिया पे सीरियस होकर काम करना है, किस एरिया पे कम होकर काम करना है। अगर मैं 12 महीनों का देखूं तो शायद शायद अगले 4 महीनों में जीपी बढ़ जाए, शायद अगले 4 महीनों में जीपी में इंक्रीज आ जाए और इन्वेंटरी सारी बिक जाए, शायद अगले 12 महीनों में क्विक रेशो बढ़ जाए। तो ये मैं अगेन ये बात कर रहा हूँ कि ये डाउट है, ये रिस्क है। रिस्क हमेशा ये होता है कि ऐसा हो सकता है। देखिए ना वर्ड का यूज हुआ है प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि हो गया है, हो सकता है, हो सकता है। तो हम ये 2 12 12 महीनों वाले डेटा कंपेयर कर रहे हैं इस 8 महीने से, जिससे हम प्रोस्पेक्टिव रिस्क तक पहुंच रहे हैं। डेटा टर्न ओवर डेज 68 से। उन्होंने हाँ सिर्फ रिस्क पूछा हुआ ना, तो अगर हम मटेरियल गोइंग यानी अनसर्टेनिटी की बात करते तो हम ये लिखेंगे बात कि भाई हम उनके कैश फ्लो फोरकास्ट को देख ले, उनकी प्लानिंग्स को देख ले 12 महीने को लेकर किसे, हाँ लेकिन मगर सवाल में तो सिर्फ रिस्क पूछा ना। इतनी डिटेल में नहीं जाना, वो सिर्फ आपसे रिस्क पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा आपसे कि बताएं इसके ऊपर प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे। अगर आप बताने के मूड में हैं तो एक आधा बता दें बस, मगर उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे प्रोसीजर डिमांड ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ प्रोस्पेक्टिव रिस्क पूछ रहा है। अच्छा डेटा टर्नओवर डेज 68 से 86 और बढ़ के 132, अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है क्योंकि बैड डेट का चांस बढ़ गया है। यस 68 को मैं कह सकता हूं कि 2 महीने, 86 3 महीने, ये 4 महीने। तो 2 महीने से बढ़ के तकरीबन 4 महीने तक चला गया है, इट मींस कि यहां पे बैड डेट का मसला आएगा। और टाइम्स इंटरेस्ट अर्न, ये इंटरेस्ट इनकम है या इंटरेस्ट एक्सपेंस है? इनकम है 2.1, 1.67, 0.91, अच्छा है बुरा? इनकम कम हो रही बढ़ रही है? हर कम हो रही है। साल कम होती जा रही है और इस साल में तो ये 1 से भी गिर गई है। तो ये भी मुझे चेक करनी पड़ेगी। जी ओवर द ईयर बिल्कुल सही है, ओवर द ईयर इंक्रीज है, बिल्कुल ऐसे ही अच्छा जी। अब जो इसके बाकी सवाल है ना, ये क्रैमिंग है, क्रैमिंग क्रैमिंग, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है।
ये भी आपका होमवर्क है। और ये क्रैमिंग, अब क्रैमिंग को आंसर कैसे करना है? क्रैमिंग विल बी आंसर्ड बाय टेक्स्ट, और टेक्स्ट की मैं एक अलग से आपको अभी लेक्चर अवेलेबल कर देता हूँ, जिसमें मैंने टेक्स्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है कि रेशियोज क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं। आज की क्लास का असल मकसद ये था कि ये सवाल आपके हाथ से करवाना, ताकि आप एग्जाम में एकदम से परेशान ना हो कि भाई ये क्या है और ये क्यों है। मूक मैंने आपको दो सवाल दिए हैं, दो सवाल है होमवर्क में नोट कर लें, एक है ऑटम 20 और एक है स्प्रिंग 19। लिखा होगा स्प्रिंग 16, मगर स्प्रिंग 16 नहीं है, उसको काट के स्प्रिंग 19 आपने बना ले। जी, फरिया पूछो। जी बिल्कुल, मैंने वो लेक्चर शेयर किया था आपके साथ, इनकम स्टेटमेंट वाला भी, वो देखा किसी ने? जी आगे मिड आ रहा है, आपको ऑटो पे देखना पड़ ही जाएगा। ठीक है जी, कोई सवाल कोई मसला हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास है, अब आप जाएं नमाज वगैरह पढ़ें, खाना छाना खाएं और मिड को तैयार करें, और जब इसका मिड की बारी आएगी तो ये लेक्चर जो मैंने सेंड किया वो और ये सवाल जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो यू विल बी फीलिंग मच मोर कॉन्फिडेंट। कल मुलाकात करते हैं, सॉरी अब हमारी मुलाकात होगी जुम्मे वाले दिन। अल्लाह हाफिज।